5 मई से प्रारंभ हो चुका है जो निरंतर चल रहा है और 4 मई 2018 को 1008 अखंड पाठ संपूर्ण होंगे। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 1008 अखंड पाठ अलग अलग प्रांतों में भी 1 अक्टूबर से होने प्रारंभ हो जाएंगे, जिसके लिए हमने 18 प्रचारकों के जत्थेदारों की नियुक्ति कर दी है। अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग जत्थेदार हैं और हमारे संत पाठियों की महापुरुष पाठियों हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। 1008 पाठ चुनावी धाम में और 1008 पाठ पूरे भारतवर्ष में। और इसके अलावा मेरा जहां तक अंदाजा है कि 1008 पाठ पंजाब प्रांत में और दूसरे गरीबदास के डेरों में जो चल भी रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। जैसे अभी स्वामी जसदेवानंद महाराज जी ने बताया कि आलमगीर में सितंबर अक्टूबर में अखंड पाठ होने हैं, तारीख लिखवाई है महाराज जी ने, तो सब जगह 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आलमगीर जिला लुधियाना में कार्यक्रम है। इससे पहले श्री रामपुर धाम में 108 अखंड पाठ संपन्न हो चुके हैं और ब्रह्मी गांव में भी, रोडुमाना गांव में और भानीवाल गांव में कई जगह पर अखंड पाठ संपन्न हो चुके हैं, डल्लेवाल में और आगे चांदपुर रुड़की गौशाला में 108 अखंड पाठ होने हैं। पंजाब प्रांत में बहुत सी जगह अखंड पाठों का कार्यक्रम है। दिल्ली में परम पूज्य स्वामी देवानंद महाराज जी 108 अखंड पाठ करवा रहे हैं। इसी तरह से सभी गरीबदास आश्रमों कुटियाओं में मंदिरों में अखंड पाठों की लड़ी हो चुकी है या हो रही है या आगे होने वाली। ये बहुत खुशी की बात है कि सदगुरु जी का अवतार महोत्सव सारा विश्व मना रहा है। इसी बीच में एक बात विचारणीय है और जिस पर विचार करके मैं यहां से गरीबदास पंथ की सर्वोच्च गद्दी से सर्वोच्च पीठ से एक हुक्मनामा जारी कर रहा हूं गद्दी छोड़ साहेब की तरफ से, क्योंकि हुक्मनामा सदगुरु जी की तरफ से होता है। और वो हुक्मनामा ये है कि पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है, बल्कि कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारे गरीबदास आश्रमों में, कुटियाओं में, मंदिरों में, संस्थाओं में कई प्रकार के जाप, कई प्रकार की मान्यता, कई प्रकार की कथाएं का आयोजन हो रहा है। हम किसी देवी देवता के विरोध में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी ये पाठ जो है उनका पूर्ण शास्त्र है। इसलिए जितने भी गरीबदासी मंदिर, कुटियाएं, आश्रम हैं, संस्थाएं हैं, ये सभी के लिए बंदी छोड़ साहिब का हुक्मनामा चुनानी धाम छतरी साहिब से जारी किया जाता है। सिवाय बंदी छोड़ साहिब की वाणी के किसी भी संस्था, किसी भी आश्रम, कुटिया में, मंदिर में कोई कथा, कोई जाप, कोई कीर्तन नहीं किया जाए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाए, उसकी प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि इससे संगत में एक अलग संदेश जाता है। हम किसी देवता के, देवी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सदगुरु जी ने अपनी वाणी के अंदर सबकी सीमाएं बताई हुई है, लेकिन हम गरीबदास ये संतों का, भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम अपने बंदी छोड़ साहिब के प्रति एक निष्ठ रहें। हमारी भावनाएं जो बिखरे नहीं, हमारी श्रद्धा जो है उसमें कोई बिखराव ना हो, इसलिए ये हुक्मनामा प्राथमिक स्तर पर जारी किया जाता है और इसके ऊपर फिर बहुत से महापुरुषों से आगे विचार भी करेंगे, क्योंकि जिस भी मंदिर में देखें हम नए नए देवताओं की मूर्तियों की स्थापना, नाम गरीबदास आश्रम है लेकिन पता नहीं कहां कहां से विचार भक्त दे देते हैं या कोई पुरोहित लोग दे देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अपने सदगुरु जी की वाणी के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति हमें एक निष्ठ होना चाहिए, ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। अब आओ, खुशी की बात यह है कि गरीबदास अवतार महोत्सव चल रहा है, सारे भक्तों को सुनानी धाम की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है, सारे संतों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
5 मई से कार्यक्रम परम पूज्य माता श्री के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत गंगा सागर जी की स्थायी प्रेरणा है कि सदा सदगुरु जी की वाणी के प्रचार में रत रहना है, उनके हुक्म का पालन करने का मैं प्रयास करता हूँ। और परम पूज्य माता जी आज्ञा देती रहती हैं, उन्होंने अपने शुभ कर कमलों से ये 300 साल अवतार महोत्सव 5 मई को प्रारंभ किया और उसके बाद देखो कितने ही महापुरुषों ने यहाँ पर दर्शन दिए। महाराज भूली वालों की पवित्र गद्दी पर आसीन परम पूज्य महापुरुष स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी संगतों के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर अब तक 53 अखंड पाठों की सेवा भेंट की है और पता नहीं कितने ही 53 बार वो अखंड पाठ, उनका तो विचार बहुत बड़ा है। बंदी छोड़ साहिब कृपा करें, संगतों को यही हुक्म होता है उनका कि जो तुम्हारा कोई काम नहीं बढ़ता हो तो छुटानी धाम जाकर परिक्रमा करो, और उनके भक्त प्राय हर रोज यहाँ पर आते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो बंदी छोड़ साहिब के इस धाम के प्रति उनका बहुत बड़ा भाव है। और दूसरा देखिए, स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी 26 मई को अपने साथ हजारों भक्तों को लेकर, संतों को लेकर एक बहुत बड़े समूह में शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर पधारे। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया। श्री रामपुर धाम से परम पूज्य स्वामी दर्शन दास जी अपने साथ सैकड़ों भक्तों को लेकर आए कार्यक्रम के प्रारंभ में और यहाँ पर रहकर उन्होंने सेवा करवाई। और रात को देखो स्वामी शंकरानंद जी महाराज कीर्तन प्रमुख तलुंडी धाम वाले पधारे, रात बड़ा सुंदर कीर्तन उन्होंने प्रस्तुत किया। और साथ साथ हरियाणा प्रांत से, उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, स्वामी दिवानंद जी दिल्ली वाले और बहुत से महापुरुषों ने राजस्थान, महाराष्ट्र से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर गरीबदास साहिब के 300 साल की शुभकामनाएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बंदी छोड़ साहिब सभी महापुरुषों का यह प्यार प्रेम जो है सदा बना रहे, संगतों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। समय बहुत कम है क्योंकि आप लोग 3 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। बंदी छोड़ साहिब की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है। रात को मैंने भजन सुनाया था कि सतगुरु जी की वाणी की जो अमृत वर्षा, ये खुली आम चल रही है, जिसने लेना हो, जो आप अधिकारी तो हैं लेकिन चूक कर जाते हैं, इसलिए चूकना नहीं, सतगुरु जी का जितना अमृत अपने चित्त में भर सको उतने ही आप निर्मल होते जाओगे। बंदी छोड़ साहिब आप पर कृपा करते जाएंगे और आपका ये जो 300 साल में संकल्प है पाठ कराने का, बहुत से लोगों ने पाठ करवाए हैं, उनकी लिस्ट भी कुछ देर के बाद पढ़ दी जाएगी, सबकी अरदास कर दी जाएगी, हर पूर्णवासी को भी अरदास की जाती है। और अभी बहुत से लोगों ने पाठ बुक कराए हैं। मेरी तो यही प्रेरणा है कि जो भी गरीबदासी भक्त है कहीं का भी, किसी गांव, शहर का, किसी राज्य का, इस कार्यक्रम में छतरी साहिब में एक एक अखंड पाठ और एक एक भंडारे की सेवा हर हालत में करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ये खुशी के पल, ये दिन दोबारा नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि 300 साल देखो आपके इस जीवन काल में आया है। जो शरीर अब नहीं रहे उनके जीवन काल में नहीं आया, इसलिए समय का आपने फायदा उठाना है। एक एक अखंड पाठ और एक एक भंडारे की सेवा आप सबने जरूर करनी है। जो सेवादार कई दिन से आए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं अपने हाथों से भंडारे में या सफाई की, बंदी छोड़ साहिब कृपा करें। हिसार जिले से बहुत सी माताएं आई हुई हैं जो निरंतर सेवा कर रही है। छुड़ानी धाम के आसपास के 15-20 गांवों के जो भक्त लोग हैं, रिवाड़ी खेड़ा से, छारा से, दसौर खेड़ी से, कानूंदा से, बेरी से, बादरी से और आसपास के शहरों से, झज्जर बहादुरगढ़ नजफगढ़ से, रोहतक से, सोनीपत से, बंदी छोड़ साहिब कृपा करें सबके ऊपर, क्योंकि आप लोग जो है सदगुरु की सेवा में यहाँ पर हाजिर हैं। बंदी छोड़ आपके ऊपर कृपा करते रहते हैं और आगे भी कृपा करते रहेंगे।
ये विश्वास आपको होना चाहिए, आपके चित्त में आपका जो विश्वास है वही आपका कल्याण करता है। जब विश्वास में कमी आ जाती है तभी आप पीड़ाओं से दुखों से परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद थोड़ी देर बाद परम पूज्य स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी महाराज जी महाराज भूरी वालों की पवित्र गति की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उनके बाद पानीपत हरियाणा से परम पूज्य स्वामी गुरजाल दास शास्त्री जी जो बड़े विद्वान है 5 मिनट के लिए उनके आशीर्वचन भी होंगे। उधर भंडारा प्रारंभ हो चुका है 10:30 बजे, सैकड़ों महापुरुषों ने भंडारा और दक्षिणा प्राप्त की। बंदी छोड़ साहेब, आप सब भक्तों को हमेशा ही प्रेरणा देते रहें कि आप सत्यनाम का जाप करें, संतों के प्रति आपका पूर्ण आदर सत्कार का भाव बना रहे। एक दो जरूरी सूचनाएं हैं। परम पूज्य स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी महाराज जी ने 20 शौचालयों के निर्माण की सेवा अपने भक्तों को सौंपी। महाराज जी भूरी वालों की संगत ने, स्वामी लालदास महाराज जी की संगत ने, परम पूज्य स्वामी गौ वालों की संगत ने बड़े प्रेम के साथ शौचालयों का निर्माण करवाया है जिससे आश्रम में बहुत सुविधा में इजाफा हुआ है। बंदी छोड़ भक्तों पर कृपा करते रहें। एक हमारी साधवी परम पूज्य केवल दास थी जो अब ब्रह्मलीन हो गई है पानीपत में, गरीब दासी डेरा है, वो मेरी प्रथम शिष्य साधवी थी। आज भादो मेले के अवसर पर मैं समस्त पंथ की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और 26 तारीख को उनके निमित्त 17वीं का भंडारा पानीपत गरीबदासी आश्रम में है। सारे महापुरुषों ने और उस इलाके के लोगों ने वहां पर पहुंचना है। सदगुरु जी के इस कार्यक्रम में जिन जिन भक्तों ने 1008 अखंड पाठों में अपनी सेवा दी है, उनके पाठ हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, उन सबको भी शुभ आशीर्वाद है। लिस्ट पढ़ने के लिए मैं ड्यूटी लगाऊंगा किसी की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना देना मैं आप लोगों के लिए। वैसे तो हमने बाहर बोर्ड भी लगा दिए हैं, काले रंग की फ्लैग सीट के ऊपर लिखा हुआ भी है, क्योंकि जब तक कोई बात आपसे साझा नहीं की जाती है तब तक आपको पता क्या लगेगा। क्योंकि बहुत से लोग फोन करके पूछते हैं कि कई लोग जो है पिछले 2-3 महीनों से छुड़ानी धाम का नाम लेकर गद्दी के महंत जी आ गए हैं, ऐसे ऐसे फेसबुक पे सवाल डाल देते हैं, लोग भ्रम में आ जाते हैं। तो छुड़ानी धाम की तरफ से कोई कहे कि मैं महंत हूँ या श्री महंत हूँ, आप सबको सच्चाई का पता है, तो मैं ऐसी हरकतों का विरोध भी करता हूँ और सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा करने वाले जो हमारे ही गांव के हमारे ही परिवार के लोग हैं उनको बंदी छोड़ सद्बुद्धि की प्रदान करें, क्योंकि इंटरनेट पर भ्रामक जानकारी डालना बहुत बड़ा अपराध है, चाहे वो पंथ के प्रति अपराध है। और वो ऐसे लोग जो हैं इस गद्दी के जो प्रेमी संत और भक्त हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी भ्रम जाल में डाल रहे हैं। स्वामी जवानानंद जी जैसे महापुरुष जो बड़े प्रेमी हैं उनको भी, ब्रह्मदास जी और गुंडी वाले जो संजय ब्रह्मचारी जी, वो भी बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि भक्त जो हैं वो अपने इस धाम से, इस गद्दी से, इस छतरी साहिब से रुमानी से जुड़े रहें और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गद्दी पर कौन आसीन है, कौन यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, किसकी आज्ञा से कार्यक्रम होता है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो बंदी छोड़ साहिब की कृपा आप सब पर बरसती रहे, गद्दी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। पहले स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी महाराज आपको आशीर्वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपको शुभ प्रेरणा देंगे और फिर जो है गुरजाल दास शास्त्री जी महाराज जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं 5 मिनट के लिए वो संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण होगा, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, और फिर आप लोग जाकर भोजन भंडारा करेंगे।
ये जो कार्यक्रम है तीन दिन का, बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ संपूर्ण हुआ है। पुलिस ने और प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम में पूरी मदद की है, व्यवस्था को संभाला है, और जो नगर निवासी छुड़ानी धाम के, उनका मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ पर हर रोज आरती करते हैं, पूरे मंदिर की सफाई करते हैं और आने जाने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। और छुड़ानी धाम के आसपास के गांव जैसे रिवाड़ी खेड़ा गांव के भक्त तो हर द्वार को आकर भंडारे की सेवा संभाल लेते हैं। ओम जी दसौर खेड़ी वाले परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जैसे हमारे महापुरुष हैं, ये भक्तों को हरियाणा प्रांत में बहुत प्रेरणा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाठ कराने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे महापुरुषों पर हमें नाज है, ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय। अब स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य जो महाराज भूरी वालों की पवित्र गद्दी पर आसीन हमारे महापुरुष हैं, उनसे निवेदन है कि आप महाराज रामेश्वर दास छुड़ानी धाम वाले जो मेरे शिष्य हैं और बड़े अच्छे प्रचारक हैं, बंदीशोर ने बड़ी कृपा की, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उस बच्चे का नामकरण जो है सदगुरु जी की वाणी के हुक्म अनुसार साक्षर रहे, बंदीशोर बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय। जयकारा जोर से लगाऊंगी, बोलो बंदीशोर महाराज की जय। बोलो श्री बंदीशोर महाराज की जय। श्री बंदीशोर महाराज की जय। श्री सुनानी साहेब धाम की जय। श्री सुनानी साहेब धाम की जय। श्री सुनानी साहेब धाम की जय। श्री मेहरबानी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु भूरी वालों की जय। श्री सतगुरु रकवे वालों की जय। श्री सतगुरु ब्रह्मा वालों की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। बोलो बंदीशोर महाराज की जय। सत सारे सत सारे सत सारे। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री बंदीशोर साहब जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमय गुरुवाणी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु भूरी वालों की परम ज्योत और सतगुरु आचार्य गरीबदास महाराज जी की स्वरूप
मेहरबान जी महाराज जी और सभी परम श्रद्धेय आदरणीय अर्चनीय वंदनीय सभी महापुरुष सतगुरुदेव बंदीश्वर साहेब श्री सुखानी साहेब धाम में आए हुए प्रिय बंधुओं माताओं देवियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हर साल की तरह सतगुरु बंदीश्वर महाराज के इस पवित्र पावन श्री सुखानी साहेब धाम में ये भागों का मेला जो कि महाराज जी का निर्वाण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में सतगुरु गिरिधर महाराज जी की पवित्र वाणी के श्रीखंड मार्ग जो कि बरसों से ही लगातार गंगा की धारा पर चल रहे थे और अभी अभी हमारे सर्वोच्च पीठाधीश्वर मेहरबान जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से वाणी को संपूर्ण भोग लगाया और साथ में ही अपने आशीष वचन आशीर्वाद सारी संगत को दी। मैं सबसे पहले श्री मेहरबान जी महाराज जी का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं इस वंश को। और इसके साथ ही जैसा कि आपको श्री महाराज मेहरबान जी साहब जी ने आपसे बताया कि ये 300 साल हम आप सबके लिए एक बहुत ही आदरणीय बात है कि हम सब लोग 300 साल में अपने जीवन के द्वारा सतगुरु महाराज जी का ये 300 साल अवतार दिवस मना रहे हैं। जैसा कि विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि हर जगह प्रांत हर स्टेट में हर प्रांत में हर गांव में जहां जहां पर भी श्री महाराज जी के हंस हैं, सेवक हैं और हमारे आदरणीय महापुरुष हैं, वो बड़े प्रेम से गगन से इस दिन को महाराज जी की वाणी के द्वारा बड़ी जोर शोर से मना रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया कि हम लोग सब इसलिए साफ सुभाषशाली हैं कि हमारे जीवन में ये 300 साल महाराज जी का अवतार देश आया है। ये ना जाने कब और आगे चल के किसको आएगा, लेकिन हम सब लोगों को थोड़ा इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि महाराज जी के कथन के अनुसार जैसे श्री मान जी बता रहे थे कि हम सब लोगों को इस महापर्व का ये महाकुंभ है वीरदासी पंथ का, इसमें आप सब लोगों को तन और मन और धन से ज्यादा सेवा करनी चाहिए क्योंकि जैसे उन्होंने पाठों की लड़ी बताई हमारे आदरणीय महापुरुष भी कर रहे हैं और संगत भी सभी कर रही है और यहाँ पर जैसे 1008 पाठ उसकी पूर्णोति मई में होगी आने वाले 2018 में और जैसे कि और भी आप लोगों को बहुत सारे संकेत दिए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, आप सब लोग जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि जितनी भी यहाँ संगत आई है वो ज्यादा से ज्यादा सर्वोच्च पीठाधीश जो हमारे वीरदासी पंथ का हमारा मूल हमारी जान हमारी आन और शान आचार्य गिरिदास सतपुरुष महाराज जी हैं और उनकी ही इस पवित्र गति के ऊपर नशीन श्री मेहर वेर सागर जी महाराज जी जो की आसीन है। और जैसे अभी भी सुना कि कुछ भ्रमित जो है बातें करते हैं, ऐसी बात को आप सब लोगों को जब जाहिर है हमें सबको क्या कहना है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि स्वामी महाराज जी मेहर आजाद जी इस समय गद्दी पर नशीन है और किसी इसी बात में कोई भ्रमित ना होना चाहिए। साथ में हम आप सब लोग से ये भी जरूर कहेंगे जैसा कि हुक्मनामा जारी किया गया, हम अक्सर देखते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में हम रहे हैं, हम वाणी के सिवा किसी का जो है और प्रचार करने को जो है किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इतना जरूर है कि 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण 27 स्मृतियां जितना भी है कुरान है जितने भी संसार में धार्मिक ग्रंथ है श्री ग्रंथ साहब है, तो मैं देखता है कि इस वाणी के अंदर जो सतपुरुषा महाराज जी ने आचार्य गिरिदास महाराज जी ने कहा है, इस वाणी का पाठ करने से मैं अक्सर कहा करता हूं सभी ही ग्रंथों का सार इस वाणी में आ जाता है। जैसे कि कहा गया है संस्कृत में सर्वे परे हस्ति परे निर्मलना, इसी बात को आचार्य श्री महाराज जी ने इस वाणी के अंदर में कहा है कि एक हस्ती की मैं पैर में सब जीवों की पैर, ये वो
वाणी है जिसमें किसी भी ग्रंथ को महाराज जी ने छोड़ा नहीं है, सबको इस ग्रंथ में समावेश किया गया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा कहूंगा, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन जीव और ब्रह्म की एकता के लिए महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में इस वाणी में उच्चारण किया है, लेकिन मैं नाम में बढ़ते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, अचानक हमारे शास्त्री जी भी कुछ आपको आशीष वचन देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस वाणी का पाठ हमारा मुख्य ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमारी ये वाणी ज्ञान है, आन है, शान है, इसी के जरिए हम लोगों को जीने का साहस आ रहा है। तो हमारे सदगुरु नंदीश्वर महाराज जी, महाराज भूरी वाले, इस वाणी का इतना सत्कार किया करते थे कि इस वाणी के बिना और कोई बात करते ही नहीं। तो मैं इतना मैंने सुना है कि जहां पर वाणी का पाठ होता था, महाराज जी तो नीचे आसन लगाया करते थे, महाराज भूरी वाले, और परिक्रमा किया करते थे जब वाणी चलती थी, इतना सत्कार करते थे। लेकिन कुछ ऐसे मन में अगर किसी के शंका है तो भाई उस शंका का कोई इलाज नहीं होता है। शंका को इलाज को भगवान ही उसका कर सकता है। लेकिन मैं सारी संगत से ये प्रार्थना करूंगा कि वाणी का ही प्रचार किया जाए, महापुरुषों से हम प्रार्थना करेंगे कि वाणी का ही प्रचार किया जाए, और वाणी के ही जो है महाराज जी की वाणी का उपदेश जन जन तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा हमारा धर्म है, हमारा सबका कर्तव्य है। तो मैं इतना ही कहते हुए और आगे ना कहते हुए एक बार फिर 300 साल का जो अवतार दिवस हम सब लोग मना रहे हैं, बड़े जोर और शोर से मना रहे हैं, और सब लोग मना रहे हैं, संगत मना रही है, और हमारे जितने सेवक मना रहे हैं, और कोई भी संत महापुरुष के सेवक मना रहे हैं, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि महाराज जी का आदर जो सत्कार है, ये सचमुच ही अखल भ्रमण नाई सचित आनंद स्वरूप परमात्मा का सत्कार है, और मैं इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर किसी को शंका हो तो उसकी अपनी जो है मन की बात है। तो मैं इतना ही कहते हुए एक बार फिर हमारे पूज्य सर्वोच्च पीठाधीश्वर श्री मेहरवान साहब जी महाराज जी, जो कि बहुत अथक प्रयास से, बहुत लगन से, बड़ी मेहनत से जन जन तक अपने वाणी का संदेश देते हैं, तो मैं पूज्य मेहरवान जी महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ, माता जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ, और हमारे साहबजादे जो है उनकी मंगल कामना करता हूँ कि वो आने वाले समय के कर्णधार हैं, वो हमारे इस समाज को संभालना है उन्होंने, और हम आप सबका कर्तव्य है कि हमारी पूर्ण निष्ठा श्री सुडानी साहब धाम के लिए होनी चाहिए, यही मेरा आपसे सबसे प्रार्थना है। और जिन जिन्होंने यहाँ सेवा की है, कर रहे हैं, वो एक एक सेवा सदगुरु महाराज जी की खुशी को प्राप्त कर रहे हैं, एक एक सेवा जो है उनकी अंकित हो चुकी है, क्योंकि सुडानी धाम का एक एक सेवा का फल जो है वो सुनहरी अक्षरों में हम आप सब लोगों का लिखा जाएगा। इतना कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुनरुज्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिर्भवतु। जयकारा लाए जोर से बोलो नंदीश्वर महाराज की जय। बोलो श्री नंदीश्वर महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। श्री सुडानी साहेब धाम की जय। श्री सुडानी साहेब धाम की जय। श्री सुडानी साहेब धाम की जय। श्री सदगुरु भूरी वालों की जय। श्री सदगुरु रटवे वालों की जय। श्री सदगुरु गौवा वालों की जय। हमारे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। श्री मेहरवान जी महाराज की जय। बोलो बंदी शोर महाराज की जय। सत सारे सत सारे सत सारे।
मेरे प्रिय आत्माओं, आज का टाइम वर्तमान समय हम आप सबके लिए एक विशेष रूप में है। क्यों? कारण कि शत्रुबंदी छोड़ महाराज जिन्हें हम आप सब मानने को तैयार नहीं, अभी तो मानते हैं और मानते रहेंगे। वास्तव में जैसा है वैसा ही कह रहे हम, कहते रहेंगे। जो कि एकमात्र सतगुरु साहिब से कभी सहज की बिल्कुल साक्षात शिव गुरु सेम आकार जिनका प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में ये 300 साल मनाने को जा रहे हैं हम आप सब मिलकर, अपनी अपनी श्रद्धा के आधार पर महापुरुष प्रेमी सदन प्रेमी भक्त अन्य अन्य स्थानों से डेरों से कुटियाओं से अन्य अन्य स्टेजों से आज 300 साल का उद्घोष हो रहा है, मनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि धरती के धरातल पर श्रीमान जी मैंने पहले भी ये संकेत दिए हैं जिन्हें मैं बार बार दोहराता रहता हूं। इस धरती के धरातल से लेकर के आप गिनती नहीं कर सकते उस आस्ती में सिर्फ सतगुरबंदी छोड़ महाराज के पास है। इतना लंबा रास्ता है, मंजिल है सतगुरु साहिब तक पहुंचने के लिए। उस रास्ते के अंदर अथवा उस मंजिल पर कहीं पर भी किसी भी लोग लोकांतर में ऐसा उपदेश ऐसे ज्ञान का प्राकट्य श्रीमान जी ऐसा उल्लेख धरती के धरातल पर किसी भी शब्द ग्रंथ के अंतर्गत नहीं मिलता है, और मिलता है तो सिर्फ उतना ही मिलता है, वैसा ही मिलता है जैसा उचित है। इसलिए उसी दृष्टि के माध्यम से महाराज ने कहा सत्वादी सब संत हैं, आप अपने धाम आपकी अरदास है सब संतन प्रणाम। सब महापुरुषों को नमस्कार करते हुए आदर सत्कार के माध्यम से योग्यता के अनुसार उन्हें जो है उनका प्रतिपादन महाराज अपनी वाणी ने किया है। हम देखते हैं आप पढ़ते हो जितना संत की महिमा साधु संत की महिमा इस वाणी के अंदर है वो बहुत विलक्षण है। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इंक्वायरी करते रहिए अन्य अन्य ग्रंथों में मिलेगी, बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी। मगर याद रखो कि जैसी इस वाणी के अंदर है महापुरुष की महिमा संत की महिमा बहुत चाहे कितनी भी हो लेकिन और इसके संतुलन नहीं हो सकती। इस वाणी का ज्ञान बड़ा ही विलक्षण है, बहुत विचित्र है। वाणी को इस संसार के अंतर्गत इस धरती के धरातल पर अन्य अवतारी पुरुषों की अन्य महापुरुषों की उद्घोषणा के माध्यम से अलग अलग रूप में मिलती है और उनकी क्षमता अलग अलग है। मगर याद रखो जैसा मन के अंदर संकेत दिया है
क्या कहीं आपने देखा? क्या वो सुनने कहीं आपको मिलेगा? अगर मिले तो मैं सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए, मैं आपको जानना चाहता हूं। पहले मैंने सारे के संकेत किए हैं, उसे मैं फिर दोहरा रहा हूं। उसी वाणी के अंदर सतगुरु जी महाराज ने संकेत किया है कि जो ज्ञान की गहराई, जो ज्ञान गंभीरता है, जो ज्ञान की औदस्यता है, वो कहां है? वो किस महापुरुष की है? वो किस वाणी के अंतर्गत है? महाराज कहते हैं कि अनुभव आठ प्रकार की, एक न एक मसाल, एक ढूंढ हुई गिर गई, कौन से रोमनी ठान, एक दामन पर बीतना, एक दर्पण शीश महल, अरे इन साधन पर और है, इन साधनों के पर और है, आठ नंबर की, इन साधन पर और है, वह अनुभव असल अटल, कि वो कौन सी, कि अनुभव असल कबीर की सब रोगों पर राज, और सतगुरु के कबीर है सुन ले सत्य आवाज। महाराज अपनी वाणी में कहते हैं इतना समझ जाइए, सुन लीजिए, अरे चेतन हो जाइए, टाइम को मैच कर लीजिए, कि जो ज्ञान की गहराई, जो ज्ञान गंभीरता, जो ज्ञान की विशेषता है, विशिष्टता है, विलक्षणता है, वो इस वाणी के अंतर्गत है। हमारे इस संत साहित्य के अंतर्गत कितने भी महापुरुष हुए हैं धरती के धरातल पर, हम महापुरुषों की वाणियां पढ़ के देख रहे हैं। इसलिए महाराज ने कहा है सत्वादि सत्संग है, महापुरुष सब पूजनीय है और वास्तव में सत्वादी है। सत्वादी क्यों कहा गया है? सत्वादी शब्द का क्या अभिप्राय है श्रीमान जी? ये समय के लिए बात हम हर रोज पढ़ते हैं, पंक्ति को शब्द को हर रोज दोहराते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। सत्वादी जो सत्य को मानने वाला है वही सत्वादी है, याद रखो। इसलिए कवि साहब अर्थात सतपुरुष है, प्राचीन जगत जितने महापुरुष हुए इनकी वाणियां वे सब सत्वादी थे। इसलिए कहा कि सत्वादी सब संत है, पहुंचे कि आप अपने ध्यान, आज की अरदास है सब संत का नाम। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो असल जो अनुभवी ज्ञान है वो कबीर साहब का बताया गया है, और महाराज को कबीर साहब, कबीर साहब अर्थात सतपुरुष है, जिसे भगनी और सबसे संबोधन किया गया वाणी के अंदर। महाराज कहते हैं भगनी घर को भगल बनाया, भगनी भगल तमाशा है, भगनी घर को भगनी पावे जाने इंद्र ने स्वार्था है, मैं तो भगनी घर का चेहरा भग्न लीला हम जानी है, अरे भगनी से हम चलाए और सुन लो भगन जानी है। भगनी घर किसको था? सतपुरुष साहब को, भगनी घर को भगल बनाया। मनाने को जा रहे हैं, और मेरे बात पहले कई बात कही है कि मैं फिर तो जा रहा हूँ हमारे इस पंथ के अंतर्गत। कई महत्व तो बहुत हुए हैं, लेकिन याद रखो जो मेहनत आपके श्रीमान जी कर रहे हैं, महंत जी शायद वो किसी ने नहीं की होगी, और भविष्य में इंतजार करते हैं ये परंपरा अलग का रूप अपना बनाए रखे, और इसी प्रकार से सतगुरु पंडित सोर महाराज की महिमा और उनके प्रचार प्रसार का फैला होता रहे, और हम आप संत अपनी श्रद्धा के आधार पर इस जो है पुण्य स्थल पर नतमस्तक होते रहे, और इसी के साथ अपने जीवन पर इशारा बोल करते रहे। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज श्री छुटानी धाम की, स्वामी जयराम जी महाराज की, स्वामी जादुराज जी महाराज की, भोले वाले महाराज की, स्वामी चेतनाथ महाराज।